आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसमें आप दुनिया के सबसे बड़े समुद्र यानी कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन जो कि 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें आप एक नाव के साथ गुम हो जाते हैं और इतने विशाल महासागर में आपका अपना कोई नहीं है और ना तो आपके पास में खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी, और समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा खारा है, और वापिस जाने के लिए आपके पास में कोई साधन नहीं। आपको नहीं पता कि आप समुद्र में किस जगह पर हो और आपको कहाँ जाना है। कई सारे बड़े बड़े जहाज आपके सामने से गुजरे लेकिन उनमें से किसी की भी नज़र आप पर नहीं पड़ी। आप सिर्फ एक उम्मीद पर टिके हुए, कोई तो यहाँ आएगा और मुझे यहाँ से निकाल करके ले जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है, और इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कहानी है जो सल्वाडोर एलवरेंगा की, जो कि एक बहुत अच्छा मछुआरा था। बात है 17 नवंबर 2012 की। ये वो तारीख जब एलवरेंगा मेक्सिको के एक छोटे से गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। और मैं आपको बता दूं, जिस समुद्र में वो उतरा था वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन था, पैसिफिक ओशियन यानी हिंदी में प्रशांत महासागर। और ये महासागर इतना बड़ा है कि पृथ्वी पर जितने भी जमीन, रेगिस्तान, बर्फ, झरने, तालाब जितना भी है, इन सबको अगर मिला भी दिए जाए तो भी इस महासागर की बराबरी नहीं कर सके। उस वक्त एलवरेंगा के साथ उसका एक दोस्त भी था। एलवरेंगा का प्लान था कि वह 30 घंटे के लिए मछली पकड़ने के लिए निकलेंगे और उसी के हिसाब से वह अपने लिए खाना और पानी ले लिया था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर तो सब प्लान के अनुसार ही चला, लेकिन तभी एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दी। शुरुआत में हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन एलवरेंगा ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन एलवरेंगा को क्या पता था कि ये रिस्क उसे कितना भारी पड़ेगा। जब हवाओं की रफ्तार बढ़ी तो एलवरेंगा समझ चुका था कि एक बहुत खतरनाक तूफान यहाँ आने वाला है। एलवरेंगा ने तुरंत अपनी नाव घुमाई और फिर से उसी दिशा में चल दिए जहाँ से वो आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों तूफान का शिकार हो गया। एलवरेंगा ने पूरी स्पीड से नाव भगाई और जैसे तैसे तूफान से लड़कर अपने मंजिल पर पहुंचने ही वाला था, और तभी उसकी नाव की फ्यूल खत्म हो गया। और बुरी बात यह थी कि उसके पास नाव को चलाने के लिए कोई चक्कू नहीं थे, और समुद्री लहरों ने उनकी दिशा मोड़ दी और उन्हें विपरीत दिशाएं फिर से धकेल दिया। उसके पास में कोई चारा नहीं था, बस एक आखिरी उम्मीद थी जो था उसका रेडियो, जिसे वो कनेक्ट कर सकते थे अपने टीम से। लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स आए उसका वेट करते करते उनकी रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है और इसी के साथ में उसकी आखिरी उम्मीद भी। और अब उन्हें नहीं पता कि उसकी मंजिल किस दिशा में, और अब वो अपनी मंजिल से 400 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। समुद्र इतना बड़ा और उनकी नाव इतनी छोटी कि रेस्क्यू टीम भी उन्हें ठीक से ढूंढ नहीं पाई। बुरे में उनके साथ और बुरा ये हुआ कि वे अपने साथ जितना भी खाना पानी लाए थे और जितना भी मछलियां पकड़ी थी वे सब कुछ समुद्र में फेंक दिया था, जिससे कि नाव तेजी से चल सके। भूख से उनका हाल बेहाल हो चुका था और हालात उनसे वो करवाए जो वे सपने में भी नहीं करना चाहते थे। अपनी भूख को मिटाने के लिए अपने हाथ से उन्होंने समुद्री जीवों को पकड़ा और उन्हें मांस को कच्चा ही खाना पड़ा, और अपनी प्यास बुझाने के लिए बारिश का पानी पीते थे। लेकिन जब बारिश का नामो निशान दूर दूर तक नहीं होता था तब आप मानेंगे नहीं, वे समुद्री जीवों का खून और अपने पेशाब पिया। मेंटली उन पर कितना टॉर्चर हो रहा था हम सबके लिए ये इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। और जैसे तैसे उन्होंने 4 महीने गुजारे, लेकिन एलवरेंगा का जो साथी था वो इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। अब एलवरेंगा अकेला पड़ गया, उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था, वो अकेला ही संघर्ष कर रहा था। एक एक दिन काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, करने के लिए कोई काम नहीं था, एक ही जगह बैठे बैठे बॉडी खराब हो रही थी। रात में वो तारों को देखता रहता और सोचता, काश यहाँ पर कोई आए और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। 6 महीने गुजर गए थे और अब एलवरेंगा पैसिफिक ओशियन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, उसके बीचों बीच आकर पहुंच गया। उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है और कब उसके साथ क्या होगा, और वो भी लगभग अपने जीने की उम्मीद खो चुका था। लेकिन एक दिन उसे बड़ी शिप दिखाई दी, लेकिन छोटी नाव और फायर गन न होने की वजह से वो शिप वाले उन्हें देख नहीं पाए। एलवरेंगा ने खूब हाथ दिखाया, खूब आवाजें दी, लेकिन किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ा। और 6 महीने बाद
मिली एक उम्मीद भी फिर से मर गया। एलवेरंगा के सर के ऊपर से भी कई सारे हवाई जहाज गुजरे, लेकिन उन्हें सिग्नल देने के लिए एलवेरंगा के पास कुछ नहीं था। अब एलवेरंगा अपने गांव से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने पूरी तरह से खुद को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। टाइम के साथ में उसके पास से कई सारे जहाज गुजरे। समय के साथ में उसने कई सारे जहाजों की झलके और उसकी आवाजें सुनी, लेकिन मदद के लिए उसके सामने कोई नहीं आया। एलवेरंगा मरा तो नहीं था, लेकिन उसकी जो हालत थी वो किसी मरे हुए इंसान से कम नहीं थी। वो तो एलवेरंगा की जीने की चाहत थी, जिसकी वजह से एलवेरंगा 400 दिनों तक इतना टॉर्चर सहने के बाद भी जिंदा रहा। और ऐसे में एलवेरंगा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, जो कि इस पूरी दुनिया में चाहकर भी कोई बनाने का सोचेगा तक नहीं। बिना किसी सोर्स के समुद्र में 400 दिनों तक रहना, और फाइनली 438 दिन बाद यानी 30 जनवरी 2014 को पहली बार एक आइलैंड देखा। और जैसे ही की नजर उस आइलैंड पर पड़ी तो मानो मुर्दे में एक जान आ गई हो। वो आइलैंड 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और नाव को उस आइलैंड तक ले गया। और वो तो शुक्र है कि उसे ये आइलैंड दिख गया, वरना इसके बाद जो आइलैंड आने वाला था वो लगभग 5,000 किलोमीटर दूर था। वो जैसे ही आइलैंड पर पहुंचा 438 दिन बाद पहली बार जमीन पर कदम रखा, लेकिन इतने दिनों से एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई। उसने आइलैंड पर कदम रखे और रेंग कर थोड़े आगे बढ़ा। उसे मानो समुद्र से जैसे नफरत सी हो गई और वो वहां पर बेहोश हो गया। और जब वो उसे होश आया तो उसने अपने आप को पास के लोकल गार्ड को पाया। गार्ड ने तुरंत ही टीम से कॉन्टेक्ट किया और उन्हें एलवेरंगा के बारे में बताया। एलवेरंगा को उन्हें अपने देश भेज दिया गया। एलवेरंगा जब वापिस अपने परिवार के पास पहुंचा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सब ये मान चुके थे कि अब एलवेरंगा इस दुनिया में नहीं रहा। और सबसे ज्यादा खुशी एलवेरंगा के माता पिता और 14 साल की उसकी एक बच्ची जिसका नाम फातिमा था उसको हुई। तो ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि 400 से भी ज्यादा दिनों तक एक समुद्र में अपने हिम्मत के दम पर रहा। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से कि एक इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता? कुछ भी न होने के बावजूद भी उसने 400 दिनों तक गुजार लिए। और ऐसे में जब उसके पास कुछ नहीं था, ना खाना ना पानी, ना ठंड गर्मी से बचने के लिए कोई साधन नहीं था, क्योंकि एक इंसान के अंदर चाहत होती है ना कुछ करने की, तो हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो वो इंसान को नहीं हरा सकता। हालात हमसे कैसे भी काम करवा ले हम कर जाएंगे। और इतना तो बुरा आप सबके साथ नहीं ना हुआ होगा जितना कि एलवेरंगा के साथ हुआ। उसके साथ हर बुरी चीज हुई सिवाय एक चीज के कि वो मरा नहीं। उसके अलावे उसके साथ हर बुरी चीज हुई। इतना टॉर्चर सहा 438 दिन तक, तो हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो बस एक बार इस कहानी को याद कर लेना, तब पता चल जाएगा कि तुम्हारे हालात कितने गुना अच्छे हैं। तुम सिर्फ अपने ही वजह से रुके हुए हो। ये रियल लाइफ स्टोरी पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।